मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता खत्म हो चुकी है। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब एमपी की कमान मोहन यादव के हाथों में रहने वाली है, जिससे सीएम पद के दूसरे दावेदारों के भी होश उड़ चुके हैं। तो कैसे शिवराज के साथ साथ सिंधिया के साथ भी बड़ा खेल हो गया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी में बीजेपी की जीत के एक हफ्ते बाद सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। यादव के नाम पर मोहर लगने के साथ ही राज्य को सीएम को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया। इससे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे। इनमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल था। हालांकि बीजेपी ने मोहन यादव को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप कर सबको चौंका दिया है। मोहन यादव को सीएम बनाकर पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद शिवराज के साथ साथ सिंधिया को भी मुख्यमंत्री पद का दमदार दावेदार माना जा रहा था। इस बीच सिंधिया ने मोहन यादव को सूबे का सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आप डबल इंजन की सरकार के लक्ष्यों को हासिल करेंगे। ये सिंधिया ही थे जिनकी वजह से 2018 में राज्य में सत्ता गंवाने वाली बीजेपी ने वहां दोबारा सरकार बनाई। दरअसल 2020 में सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस में बगावत कर दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने 34 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से ज्यादातर सीटों पर सिंधिया के साथ आए विधायकों ने जीत हासिल की, जिसके चलते सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन सीएम मोहन यादव को बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश की उज्जैन दक्षिण सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने उज्जैन दक्षिण सीट से हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,941 वोटों से हराया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान सिंधिया को क्या नई जिम्मेदारी देता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।